हेलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि गाड़ी के अंदर जो किया सोनेट है STX वेरिएंट, उसके अंदर जो ये ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है AC, वो वर्क कैसे करता है। और पिछली वीडियो के कमेंट्स में भी भाई आया था एक दो भाई का मैसेज कि मतलब ये ऑटोमेटिक AC के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है कि किया सोनेट STX के अंदर जो ऑटोमेटिक AC आती है वो वर्क कैसे करती और है। ना ही केवल किया सोनेट STX के अंदर, बाकी सारे कार्स के अंदर भी आ जाता है ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स, मतलब फुली ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स। तो वो मतलब किस बटन से क्या काम होता है, बहुत सारे बटन दे रखा है तो मतलब कंफ्यूजन हो जाता है मतलब किस बटन से क्या काम होता है। तो भाई आज मैं पूरा मतलब समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मतलब AC कैसा गाड़ी का वो भी बताने वाला हूँ। और भाई बाहर का टेम्परेचर देख लो, पहले दिखा देता हूँ कितना है। स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, देखो भाई 41 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है, आप देख सकते हो। तो इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर देना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। आपको बता और दूं, अगर मैं बात करूँ किया सोनेट के बारे में, तो ऑटोमेटिक AC कंट्रोल शुरू हो जाता है STK+ वेरिएंट से, मतलब STK+, STX, GTX+, इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर आता है ऑटोमेटिक, मतलब फुली ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स। और GTX+ के अंदर तो यहाँ से भी काफी सारे बटन आ जाते हैं। और HTE और HTK के अंदर जो आता है AC, मतलब मैनुअल AC आता है, मतलब एक पहले नहीं आता था गाड़ियों के अंदर नॉब, जो उसको रेड मतलब ब्लू की तरफ रहेगा तो ठंडा और रेड की तरफ रहेगा तो गर्म, इस तरीके का नॉब आता था। और मतलब फैन की स्पीड बढ़ने के 1, 2, 3, 4 करके आता था। तो मतलब मैनुअल AC आता है दोनों वेरिएंट के अंदर, और STK+, STX और GTX+ के अंदर स्टार्ट हो जाता है मतलब फुली ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स। तो इस वीडियो में आज वही बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो AC को ऑन करने के लिए सबसे पहले गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी को ऑन नहीं करते हो तो मतलब इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है। तो मान लो एक बार दबाता हूँ मैं, देखो एक बार दबाया तो ये चल हो गया और इधर का इसमें आ गया। अगर मैं अब AC बटन दबाता हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ। एक बार और अगर मैं बिना क्लच दबाए मतलब ब्रेक दबाए ही स्टार्ट करते, एक बार और दबाता हूँ, देखो सिस्टम चेक करके ये पूरा ऑन हो गया, AC चालू हो गया। अभी मैं ऑन करके बैठा था तो मान लो AC बंद कर दिया और AC ऑन करता हूँ। देखो अगर अभी मैं ऑन करता हूँ तो फैन तो ऑन हो गया, शो कर रहा है कि AC ऑन है, हल्का हल्का ठंडा आ रहा है जो मतलब अभी था फैन के अंदर। उसके बाद फिर मतलब फैन ही चलेगा, AC ऑन नहीं होगा, सिर्फ फैन चलेगा, गाड़ी के अंदर की जो हवा है, देखो ये भी ऑन हो गया ना, तो गाड़ी के अंदर की जो हवा ठंडी वाली है वही केवल सर्कुलेट होती रहेगी जब तक आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने ब्रेक दबाया, गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो अब देखो स्टार्ट हुआ ना, देखो बाहर इंजन की भी थोड़ी साउंड बढ़ जाती है स्टार्ट होती। तो अब आना स्टार्ट हुआ ठंडा हवा, देखो आना स्टार्ट हो गया ठंडा हवा। तो AC को करता हूँ बंद, फिर आपको समझाता हूँ। तो ऑफ से स्टार्ट, तो इंजन की भी थोड़ी नॉइज जो होती है वो बढ़ जाती है जब AC ऑन होता है। तो अभी बंद हो गई है, देखो ये बटन जो है ये है फैन की स्पीड के लिए। देखो इस पर फैन जो सिंबल बना हुआ है बड़ा, इस पर छोटा, तो इससे अगर करेंगे दबाएंगे ऊपर ऊपर तो फैन की स्पीड बढ़ेगी और इससे घटेगी, और जो कि यहाँ पे सो होगा अभी मैं करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको सारे बटन का पहले फंक्शन समझाता हूँ। इससे AC ऑन हो जाएगा और इससे मतलब चेंज होगा मतलब की पोजिशन, मतलब कहाँ पर हवा चाहिए आपको। चलो ऑन करके दिखा देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलो तो सबसे पहले AC को ऑन करने के लिए इस बटन वाले को AC को दबाना पड़ेगा। देखो दबाया, वो AC ऑन हो गया है, हवा आना स्टार्ट हो गई है। देखो फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए देखो इस वाले को दबाओगे तो यहाँ देखना घटेगा पॉइंट, देखो मैं नीचे वाला दबा रहा हूँ, देखो घटा, इसको ऊपर दबाऊंगा तो फैन की स्पीड बढ़ेगी। देखो इतनी तेज, काफ़ी तेज भाई फैन की स्पीड इसमें काफ़ी तेज जाती है, हवा आवाज़ भी फटने लगेगा अभी अगर मैं फैन की स्पीड बढ़ा दूंगा तो। इससे कम होगी, इससे ज़्यादा, इससे AC ऑन हो गया है। और इस वाले बटन से देखो यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है और यहाँ पैर के नीचे दे रखा है मतलब वेंट्स, AC की जो वेंट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं और ऊपर साइड यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो इसको दबाऊंगा, यहाँ पे मतलब मुंह पे आएगा यहाँ पे और पैर के पास भी आना स्टार्ट हो गया। देखो ठंडा पैर के पास भी आ रहा है, और इसको एक बार और दबाते हैं, देखो सिर्फ पैर के पास देगा तब ठंडा, केवल पैर के पास आ रहा है, यहाँ वाला बंद हो गया। और इसको एक बार और दबा दूंगा तो चला जाएगा हवा यहाँ पे, इस जगह से आ रहा है और पैर के पास आ रहा है। देखो ऊपर से आ रहा है यहाँ पे चुंदरी जहाँ रखा हुआ है इस जगह से और इधर पैर के पास, फिर एक बार दबाते हैं तो वापस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर सिर्फ यहीं पे आएगा, पैर के पास नहीं आएगा और ऊपर नहीं आएगा। तो देख लो इससे मतलब पोजीशन चेंज होता है इस बड़े बटन से। और ये फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर, तो फ्रंट में डिफॉगर मतलब यहाँ से हवा आएगी तो ये इस पर जो फॉग जमता है ठंडी के मौसम में वो हट जाता है, और रियर डिफॉगर भी यहाँ पे। तो इस बटन दबाओगे तो पीछे जो दिखाता हूँ, चल के रुको पहले आपको समझा देता हूँ, समझा ही रहा हूँ अच्छे से समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। देखो ये रेड वाली लाइन्स देख रहे हो, ये रेड कलर की जो लाइन्स है यही डिफॉगर का काम करती हैं, ये गर्म हो जाती हैं, तो गर्म होगा तो फॉग ऑटोमेटिक पिघलने मतलब हट जाता है पिघल के वापस, तो वही डिफॉगर का काम कर देता है। अंदर बैठ जाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो इस वाले बटन से फ्रंट का डिफॉगर चालू होगा और इस वाले बटन से रियर का डिफॉगर, पीछे का फॉग हट जाएगा। और इसके अंदर जो ऑटोमेटिक AC जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ऑटोमेटिक AC के ऊपर, अगर इसको दबा देते हो देखना क्या होगा, पूरी फैन की स्पीड बढ़ेगी देखना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फुल भाई, देखो एकदम यहाँ तो मुंह पे पूरा हवा मार रहा है एकदम,
आगे पीछे पूरा एकदम हवा एकदम तेज हो गया इस जगह से, मतलब जहाँ का पोजीशन ऑन रहेगा उस जगह पूरा हवा एकदम तेज मारेगा। देखो फिर इसको कम करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है भाई, देखो 41 डिग्री टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे दो पे भी मैं कर दूँ तो इसका एसी इतना तगड़ा है कि इतने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कूलिंग मिल रही है। फालतू में अगर मैं इसको ऑटो पे दबा दूंगा ना तो फुल हो जाएगा पूरा, फैन की स्पीड बढ़ा देगा, तो फैन की स्पीड बढ़ेगी देखना। और मैं अगर मतलब सोचा हूँ कि फैन की स्पीड कम करके ऑटो पे रहे तो नहीं, जैसे ये दबाऊंगा देखना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, देखना देखे बंद हो गया। तो ये ज़्यादा काम का फीचर तो नहीं है ऑटोमेटिक एसी, मतलब ऑटो का ऑप्शन जो है कि मतलब फैन की स्पीड ही बढ़ा देता है, जितना भी टेम्परेचर आपको अपने हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ के बताता हूँ, इस बटन से होगा और ऑफ हो जाएगी एसी, देखो दबाया एसी बंद, फिर एसी ऑन करता हूँ फिर दिखाता हूँ। और इस रेड वाले बटन से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और ब्लू वाले बटन से टेम्परेचर घटेगा। जैसे रेड वाले बटन दबाता हूँ देखो 17, 17.5, 18 ऐसे ऐसे करके अगर हाई दिखाता हूँ कहाँ तक जाता है, 727 के बाद हाई लिख देगा, देखा 17 हुआ, अभी गर्म आना स्टार्ट हो जाएगा हाई, तो पैर के ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ, पैर पे गर्म आना स्टार्ट हो गया, तो भाई गर्मी तो चाहिए नहीं। तो इसी को डाउन करते हैं, दबाए रहो 17 तक आएगा, उसके बाद लो हो जाता है, मतलब ठंडा 17 के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा स्टार्ट कर देता है। और इसकी एसी भाई एक नंबर, तगड़ी एसी भाई गाड़ी के अंदर दिया है कि वालों ने, बहुत ही एक नंबर का एसी है। तो समझ गए, इससे टेम्परेचर हाई, इससे टेम्परेचर लो, एसी बंद करने का ऑप्शन, ऑटोमेटिक एसी ऑन करने के लिए अगर आपका गाड़ी मतलब धूप में खड़ी करके गए हो कहीं, जैसे मान लो ऐसे धूप है इतना सारा और आपकी गाड़ी धूप में पार्क है, तो आप एसी ऑटो पे करके छोड़ दो, मतलब उसके 2-3 मिनट के अंदर आपकी पूरी गाड़ी चिल्ड कर देगा वापस, इतना तगड़ा इसकी एसी है। ये फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, और ये बटन बहुत काम का है। अगर ये देखो एसी जैसे बंद करूँगा, देखो दिखाता हूँ, ऑन करता हूँ इसको बंद रखता हूँ, देखो अगर मैं एसी ऑन करूँगा देखना ये भी चालू हो जाएगा, देखना देखिए एसी ऑन किया हूँ ये भी चालू हो गया, मतलब ये अंदर की जो हवा है देखो इसे बना भी हुआ है अंदर का मतलब सिंबल, अंदर की हवा को ही ठंडी करके अंदर ही सर्कुलेट करेगा। अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो बाहर की हवा ये लेगा, अंदर की हवा तो जो है उसको बाहर करके मतलब बाहर की हवा लेना स्टार्ट कर देता है, बाहर से हवा। तो भाई इसको मैं तो हमेशा अंदर की हवा पे ही रखता हूँ, मतलब अंदर की हवा ये अंदर ठंडा करो, इससे गाड़ी के इंजन में भी लोड कम पड़ता है और आपका माइलेज भी थोड़ा सा बढ़ता है। एसी चलेगा तो घटेगा, मतलब उतना नहीं घटता है, थोड़ा ठीक ठाक सही रहता है। और इससे फैन की स्पीड बढ़ाना, अगर आप फिजिकली अगर आप फैन की स्पीड मैनुअली बढ़ाना चाहते हो इसे बढ़ा के, इससे नीचे वाले बटन से घटा सकते हो। तो ये पूरा, और इस जगह पे पूरा ये डिस्प्ले दे रखा है, हर जहाँ पे हर चीज़ तो होता है। तो ये भाई पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो भी कमेंट पूछ सकते हो, और मैं अगर दिखा दूँ आपको एसी वेंट्स कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक उधर, एक इधर, एक इधर, और इधर पैर के पास भी दे रखा है, और यहाँ पीछे भी देखो ये। और एक भाई पूछ रहा था कमेंट्स में कि भाई अब क्या पीछे के एसी वेंट्स या कहीं का बंद कर सकते हो, तो हाँ ऑफकोर्स उस तरीके से तो नहीं, बट अगर इसको देखो इधर से नीचे करोगे ना, देखो एक कट की आवाज़ आएगी, देखो ये अब इधर का हवा आना बंद हो गया, इधर की भी करके अगर नीचे कर दिया तो अब इधर हवा आना बंद हो गया, इसको ऑन रख दो। और इधर भी भाई सिस्टम, अगर आप चाहोगे अगर अकेले चल रहे हो आप इधर दोनों वेंट्स ऑन रखना चाहते हो और बाकी बंद, तो इसको ऐसे करके नीचे देखो कट की आवाज़ आएगी, देखो ये और इधर का भी कट, तो ये मतलब इधर दोनों हवा इसमें से आना बंद, इसमें से हवा एकदम अच्छी खासी, देखो इसमें हवा आ रही होगी, आपको माइक पे भी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसमें से नहीं। तो ये पूरा ऑप्शन दे रखा है एसी का सिस्टम किया के अंदर, और बहुत ही तगड़ा एसी भाई गाड़ी के अंदर। अभी मैं 41 डिग्री है बट गाड़ी के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंडा एकदम फील हो रहा है। और एक चीज़ को मैं फुल्ली डिस्क्राइब करना मतलब कर देता हूँ अच्छे से, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना, जिसको नहीं पता टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब गर्म चाहिए आपको हवा, तो इस रेड वाले से जितना ऊपर करोगे ना उतना गर्मी बढ़ेगी आपके पास, गर्म आएगा उतना हवा, मतलब 21 तक तो ठीक है, 24 से आई थिंक गर्म स्टार्ट हो जाता है, 24 से देखता हूँ अभी तो थोड़ा ठंडा ही रहा है, 25 किया, हाँ देखो अब हल्का हल्का गर्मी स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ जितना ऊपर रहेगा ये 25 में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी गर्मी बढ़ेगी, और जितना यहाँ से नीचे आएगा, जिसको नहीं पता, जिसको मान लो पता है उसको तो ठीक है, और जिसको नहीं पता आराम से नीचे करो इसको 18 पे, मतलब जितना नीचे रहेगा ब्लू वाले से उतनी ठंडी, जितना रेड वाले से ऊपर उतनी गर्मी। तो ये पूरा सिस्टम, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, अगर मैं पूरा हवा आपको आवाज़ सुनाना चाहूँ तो देखो पढ़ने दो, देखो आवाज़ आ रही है पूरी हवा की अच्छी खासी, इतनी तेज हवा आ रही भाई, पूरा मतलब काफ़ी तगड़ा एसी दे रखा किया वालों ने। और अगर आप चाहते हो कि मतलब एसी ऑन रहे, मौसम आपका सुहाना हो रखा है, शाम में समय जैसा हो जाता है कभी कभार या बरसात के समय होता है, आप चाहते हो कि एसी मतलब फिर भी आपको उमस हो रही है, एसी मतलब आप ऑन नहीं करना चाहते हो, सिर्फ फैन की हवा लेना चाहते हो, मौसम ठंडा है अगर, तो एसी ऑन करो, चमत करो, सिर्फ इसको फैन की स्पीड बढ़ाओ, देखो एसी ऑन हो गया, तो एसी वाला बटन को दबा दो बंद, ये लाइट यहाँ जलती है ना इसको बंद कर दो, अब सिर्फ जो हवा आएगी फैन की स्पीड बढ़ा लो चाहे घटा लो अपने ऊपर है, वो सिर्फ अब फैन की स्पीड है, इसमें एसी का लोड नहीं है, एसी का कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं रहता है, सिर्फ अंदर की जो हवा है वही आपकी जो दे रहेगा, जो ठंडी हवा तो ठंडी, गर्मी हवा है तो गर्मी, अब इसको दबा दोगे तो बाहर से हवा लेकर के अंदर देना स्टार्ट करेगा,
तो ये पूरा काम करता है केवल फैन का सिस्टम, इसमें एसी बंद है। पर एसी ऑन करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भाई देख चुका हूँ, ऐसे ऑन करके बैठा था एक बार, ध्यान नहीं दिया कि एसी ऑन है, मतलब भूल, मतलब एसी बंद है, आराम से ये ऑन करके बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ साला ये गर्मी क्यों हो रहा है, तो फिर एसी बटन दबाए तो भाई फिर आराम से हवा आना, ठंडा आना स्टार्ट हुआ। तो एसी ऑन करोगे तो ठंडा, अगर आपका मौसम ठीक है तो एसी बंद करके फिर फैन से भी हवा ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप कोई और भी मतलब चाहते हो गाड़ी के बारे में कुछ जानना तो कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।